मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 जुलाई को सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। मणिपुर कांड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। महिलाओं से हुई ज्यादती केस को ट्रांसफर करने की मांग। केंद्र सरकार ने मणिपुर कांड की जांच सीबीआई को सौंप। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। मणिपुर से जुड़े अब तक 7 केस केंद्रीय एजेंसी को हो चुके हैं ट्रांसफर। दो महिलाओं को नग्न घुमाने का घटना का वीडियो बनाने वाले को पुलिस ने किया अरेस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। जब्त मोबाइल सीबीआई को सौंपा गया। विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जल्द करेगा मणिपुर का दौरा। आज विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर दौरे की तारीखों का हो सकता है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण म्यूचुअल फंडों के लिए 33,000 करोड़ रुपए का बैकस्टॉप फंड पेश करेंगी। सीडीएमडीएफ को सेबी ने मार्च में ही मंजूरी दी थी। फंड का मकसद डेट योजनाओं को नकदी मुहैया कराना है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय। 25 और 26 अगस्त को मुंबई में होगी मीटिंग। 26 दलों के महागठबंधन की दो पहली ही बैठकें हो चुकी है पटना और बेंगलुरु में। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी महामंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के में ज्ञानव्यापी सर्वे पर फैसला 3 अगस्त को सुनाया जा सकता है। गुरुवार को याचिका पर सुनवाई पूरी। परिसर के एएसआई सर्वे पर जारी रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने की दी मंजूरी। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा देश हित में लिया गया फैसला। यूपी के गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जेल से रिहा। गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार अफजाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 24 जुलाई को मिली थी जमानत। रिहाई के बाद पूर्व सांसद ने नहीं की मीडिया से बात। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर सुझाव देने का आज आखिर दिन। विधि मंत्रालय ने यूनियन सिविल कोड को लेकर आम लोगों से राय मांगी थी। पहले सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई थी। देश दुनिया में आज मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। मुहर्रम पर निकलने वाले ताजा जुलूस को लेकर कश्मीर से कोलकाता तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। मुहर्रम को लेकर राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा चाक चौबंद। आज और कल निकलने वाली ताजिया के मद्देनजर एडवाइजरी जारी। गुरुवार देर रात जामा मस्जिद इलाके के आला पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में होगा बदलाव। बीसीसीआई सचिव जय शाह के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को होने वाला मैच के साथ साथ कई मैचों की तारीखें रीशेड्यूल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमी कॉन इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को साथ लाना। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात को कई योजनाओं की सौगात दी। राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। राजकोट में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश में गरीबों की संख्या घटी है। सुशासन की गारंटी के बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। गुरुवार को राजस्थान के सीकर से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी की। पीएम मोदी ने सीकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। कहा कांग्रेस जैसी पार्टियां नाम बदलकर लोगों को भ्रमित और धंधा पानी चलाना चाहती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु और तेलंगाना दौरा। 2024 चुनाव के मद्देनजर जनाधार बढ़ाने के लिए एनमन एन मक्का यात्रा की करेंगे शुरुआत। तमिलनाडु के रामेश्वर से शुरू होगी यात्रा। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार आज देगी तीर्थ यात्रा की सौगात। राज्य सरकार हजारों लोगों को कराएगी तीर्थ यात्रा। नेपाल के पशुपतिनाथ में कराए जाएंगे दर्शन। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 3 रुपए बढ़ाए दूध के दाम। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से बढ़ाए गए हैं दूध के दाम। मणिपुर मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार प्रहार किया।
कहा कि पीएम मोदी की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। बीजेपी आरएसएस को देश के दुख दर्द से नहीं पड़ता कोई फर्क। मणिपुर में गुरुवार को कुकी उपद्रवियों ने किया बीएसएफ पर हमला, सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई, कोई हताहत नहीं। पोलजांग इलाके में मैतेई कुकी समुदाय में गोलीबारी, एक की मौत। संसद में विपक्षी पार्टियों के अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को मिला वाईएसआर कांग्रेस का साथ। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी दिल्ली से जुड़े अध्यादेश बिल पर भी केंद्र के साथ। राजस्थान विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐलान, राज्य की भरतपुर, नदबई और धौलपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान। भरतपुर और नदबई सीट है पर है बीजेपी का कब्जा। मायावती ने राजस्थान की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भरतपुर नगर सीट से खुर्शीद अहमद, नदबई से खेमकरण तौली और धौलपुर शहर से रितेश शर्मा को टिकट दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सीएम नीतीश कुमार पर हमला, गिरिराज ने कहा धृतराष्ट्र बने नीतीश अपराध और अपराधियों पर चुप्पी साध लेते हैं जबकि नौकरी और हक मांग रहे लोगों पर गोलियां चलवाते हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री होशिमासा हयासी से मुलाकात की, भारत जापान फोरम की आज होगी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान की उन्होंने शुरुआत की। अभियान के तहत देश के 6.5 लाख गांवों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की हुई पहल। जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी, वाल्मीकि समाज को एससी और जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिए जाने के समर्थन में बीजेपी की रैली। नौशेरा में हर हर मोदी, घर घर मोदी के लगे नारे। एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम की पुण्यतिथि के मौके पर विज्ञान भवन में लोगों को सम्मानित किया। सोशल वर्कर, पुलिस अधिकारी, पॉलिटिशियन, डॉक्टर और धर्मगुरुओं को सम्मान। पाकिस्तान गई अंजू को उसके पिता गया प्रसाद थॉमस ने किया वॉइस मैसेज। प्रेमी नसरुल्लाह के साथ आ रहे नए नए वीडियो पर जताई नाराजगी, कहा वापस आने पर उसे मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। फेसबुक फ्रेंड के प्यार में पड़कर सरहद पार कर गई अंजू को उसके दोनों बच्चों ने भी ठुकराया। बेटी ने कहा अब वो नहीं रही हमारी मम्मी। राजस्थान के अलवर की रहने वाली अंजू का नया वीडियो आया सामने। प्रेमी नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ बुर्का पहन डाइनिंग टेबल पर खाना खाती नजर आई अंजू। सपा विधायक शिवपाल यादव के निजी सचिव अंकुश को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिवपाल यादव के थाने पहुंचने पर निजी सचिव को छोड़ा गया। शिवपाल यादव ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा निजी सचिव को असलहा रखकर फंसाया गया। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी रोक करके ऐसे गाड़ी रुकाई, रुकाने के बाद असला कोई चीज थी, असला वगैरह था, निकाला और इसके सीट पर रख दिया पीछे वाली तक। और कहिए खोलो, और ये सब बातें हैं ना, तो ये सवेरे खुलासा होगा। पुलिस ने आरोपों को किया खारिज, कहा वाहन चेकिंग के दौरान अंकुश शर्मा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, अंकुश को जांच के बाद छोड़ दिया गया। के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है, जो कि अपनी चार पहिया वाहन से जा रहे थे, उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था, जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जांच के लिए लाया गया। जांच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। टीएमसी नेता धनंजय चौबे हत्याकांड में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के बेरछा से अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता धनंजय चौबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया। दिल्ली के द्वारका में एक महिला गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी बाद में आरोपी शख्स ने खुद भी सुसाइड कर लिया। 42 साल की रेनू की घर के पास मारी गई गोली। गुरुवार रात करीब 9 बजे पुलिस को मिली जानकारी, वारदात के बारे में जानकारी दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या के पीछे आपसी रंजिश बता रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइन थाने में तैनात थाना प्रभारी को एएसआई ने गोली मार दी। दोनों के बीच मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ई रिक्शे से एक युवक के पास से 45 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया उसे। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये कैश हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है।
ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अहमदाबाद के एसजी हाईवे के इस्कॉन ब्रिज जगुआर एक्सीडेंट मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। पुलिस ने आरोपी तथ्य पटेल के खिलाफ 7 दिनों में दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दलित युवक की गोली मारकर हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्रॉली पर अश्लील गाना बजाने का विरोध करने पर 47 साल के युवक को गोली मार गई। तिहाड़ और मंडोली जेल में चेकिंग के दौरान मिले मोबाइल फोन और अन्य सामान तिहाड़ की जेल नंबर 3 में खुफिया सूचना के बाद चलाया गया था तलाशी अभियान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में डिरेल हुई मालगाड़ी, ट्रेन की करीब दर्जन भर बोगियां पटरी से उतरी, इसके चलते हावड़ा मुंबई रूट प्रभावित हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के नर्मदा नदी के घाट पर एक विशिष्ट समुदाय ने दिखाए काले झंडे। हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति। सेठानी घाट के गणेश मंदिर के बाहर लगाए गए पोस्टर्स पुलिस ने हटाए। यूपी के रायबरेली में बच्चों के इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई, सीएमओ ने निजी अस्पताल पर की कार्रवाई। स्वीडन ने रूस पर लगाया अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने का आरोप, स्वीडिश मंत्री ने कहा दुनिया भर में रूस हमारी सरकार को कुरान जलाने वालों का समर्थक बताने का दुष्प्रचार कर रहा है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने गुरुवार को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की। कोरिया युद्ध समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस और चीन के प्रतिनिधि नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी पहली श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। आज श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। ईरानी महिला शतरंज खिलाड़ी सारा खादिम को स्पेन की नागरिकता मिल गई है। सारा खादिम को हिजाब नहीं पहनने की वजह से ईरान सरकार ने गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 114 रन बनाए। टीम इंडिया ने 22 ओवर 5 बॉल में 5 विकेट खोकर हासिल किया अपना लक्ष्य। भारत की ओर से ओपनर ईशान किशन ने शानदार 52 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लेकर मेजबान टीम को 114 पर ही समेट दिया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हो गए हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी, पीठ की चोट की वजह से सितंबर 2022 से बाहर है बुमराह। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए संस्करण में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। श्रीलंका को 2 टेस्टों की सीरीज में क्लीन स्वीप पर पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा, टीम इंडिया दूसरे स्थान पर। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की पहली पारी 283 रनों पर सिमटी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 61 रन। लोकसभा में विपक्ष का भारी हंगामा, काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्ष के नेता। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा अविश्वास प्रस्ताव लाने से और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला पहनकर ही घूमना पड़ेगा। मणिपुर के हालात पर सरकार के खिलाफ विपक्ष का विरोध, प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। भारी विरोध के बाद राज्यसभा में स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पीएम मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय पीएम को देश को संभालना चाहिए ऐसे समय में वो केवल भाषणबाजी में लगे हुए हैं। मंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। संसद से निलंबित हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा पीएम की संवेदनशीलता इस बात से पता चलती है कि देश का एक हिस्सा चल रहा है, लेकिन पीएम को दोबारा सत्ता में आने की ललक है। प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है कि देश का एक हिस्सा जल रहा है,
वहाँ बलात्कार की, लूट की, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री को 2024 में कैसे वापस आएंगे इसकी चिंता सता रही है। सत्ता की इतनी भूख होना अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मणिपुर के मुद्दे पर सीएम दे बयान, लेकिन पीएम मुद्दे पर अड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों संसद में मणिपुर पर नहीं दे रहे कोई बयान। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा केवल वोट की राजनीति ना करें, वोट के चलते मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है।